तो देखिए, लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास किसी बीन के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेटा सेट है और उस पर्टिकुलर डेटा को अगर हमें किसी दूसरे जगह शेयर करना है, यानी कि डायनेमिक डेटा शेयरिंग करनी है, तो हमने ये एप्लीकेशन में सेट कर दिया या सेशन में सेट कर दिया तो कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डायनेमिक डेटा शेयरिंग, ठीक है। और ये डायनेमिक डेटा शेयरिंग जो है, आपने सर्वलेट में भी कर रखा है। सर्वलेट में डायनेमिक डेटा शेयरिंग रिक्वेस्ट लेवल पे, सेशन लेवल पे, कॉन्टेक्स्ट लेवल पे किया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये डायनेमिक डेटा शेयरिंग ना करूँ और वो डायरेक्टली गेट एट्रीब्यूट वाला कंसेप्ट यूज करूँ, तो उसको कैसे यूज कर सकता हूँ, ज़रा उस पर हम बात करते हैं, जिसमें हमारा एरर आ रहा था, जो हमारा नहीं चल रहा था, ठीक है। तो उसकी कहानी क्या थी कि देखिए, कहानी ये होती है कि जब भी आप यहाँ पे JSP के अंदर यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट टैग लगाओगे, यहाँ पे जैसे मान लो कि आपने इसे कमेंट कर दिया, ठीक है, और आप यहाँ पे लिखने जा रहे हो JSP कॉलन गेट एट्रीब्यूट, तो ये जो गेट एट्रीब्यूट या सेट एट्रीब्यूट है, ये तभी काम करता है जब आपके साथ कोई बीन टैग होती है, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे लिखोगे गेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे JSP कॉलन गेट एट्रीब्यूट और ये तो सेट एट्रीब्यूट कॉल हो गया, सॉरी, आप यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट लिखिए, गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम, नेम मतलब वो ऑब्जेक्ट का नाम, और प्रॉपर्टी का नाम जिससे डेटा निकालना चाहते हो, ये आपने दे दिया, ठीक है। ये टैग तभी चलेगा जब आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे बीन, मतलब इस पर्टिकुलर JSP फाइल में कहीं बीन टैग लगा होगा। बीन टैग, आपने कहा सर इस वाले JSP में तो बीन टैग लगा हुआ था, और यही सोच के भी मैं यही सेम डेटा मैं यहाँ गेट कर रहा था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। इसके बारे में मैंने ये देखा कि भाई ये जो JSP बीन टैग है ना, ये मतलब यूज बीन जो टैग है, इस यूज बीन टैग को जब आप लगाओगे तभी आप गेट प्रॉपर्टी टैग का यूज कर सकते हो। यानी कि ये यूज बीन जो हो गया, ये आपके कहीं ना कहीं यूज बीन टैग का ये जो ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तब गेट प्रॉपर्टी यूज कर पाओगे, क्योंकि ये ID वहाँ से वो कॉल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर एक बात बताओ, यूज बीन टैग से ऑब्जेक्ट बनता है, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे दे दिया तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर तो ये डेटा गेट नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल ये गलत है। यूज बीन टैग जब किसी बीन का ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसका स्कोप डिफाइन करता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ एप्लीकेशन लिख दिया गया स्कोप, और बाय डिफॉल्ट होता है पेज, तो अगर बाय डिफॉल्ट पेज होता या आपने कोई स्कोप दिया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो REG का ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो REG का ऑब्जेक्ट होगा, वो दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर स्कोप इज इक्वल टू यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया और यहाँ पे भी एप्लीकेशन लिख दिया, तो ये जो REG के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपने जो यूजर से आने वाला डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट में गेट सेट किया है, तो गेट इसी ऑब्जेक्ट से करोगे या किसी और ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हो, मुझे आप इस बात का जवाब दो। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में डेटा सेट किया हूं तो क्या इसी से ही गेट करूंगा या किसी और से भी गेट कर सकता हूं? यार इसी से ही गेट कर सकता हूं, तभी तो मैं इसको सेट एट्रीब्यूट से भेज रहा था, इसी से ही कर सकता हूं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे से करोगे एरर आ जाएगा। तो पहली चीज तो मैं आपको ये चला के दिखाता हूं, यहां से मैं स्कोप आपको हटा के दिखाता हूं, ठीक है। और दिक्कत यही आ रही थी बेसिकली, हमने ये चीज का ध्यान नहीं दिया, है ना। तो मैंने इसको पढ़ा, फिर मुझे ये समझ में आ गया, गेट प्रॉपर्टी टैग हटाई देता हूँ मैं, ठीक है। मैं आउट डॉट प्रिंट एलन टैग या मैं एक्सप्रेशन टैग डायरेक्टली लगा लेता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग में, ठीक है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन टैग में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रिंट करने वाला हूँ REG को, ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से। और मैं यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या लगाऊँ, यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे system.out.println दे देता हूँ, ठीक है, system.out.println दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी REG प्रिंट कर लेता हूँ। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी आपके बीन का जो स्कोप है वो है पेज, तो पेज स्कोप बाय डिफॉल्ट माना जाता है, नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब जितने बार ये टैग लगाओगे
उतने बार तुम्हारे पेजेस का ऑब्जेक्ट नया बनेगा, यानी कि यहां भी इनका ऑब्जेक्ट अलग और यहां भी इनका ऑब्जेक्ट अलग। ठीक है, तो इसको हमने रन JS भी कर दिया। ये हमने नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये हमने डेटा सेट कर दिया। ये देखिए बिन का ऑब्जेक्ट आया, क्या लिखा है 4611F। और जरा नीचे हम देख लेते हैं कंसोल पे, कंसोल पे क्या आईडी आ रही है भाई। कंसोल पे जो आईडी आ रही है उसको मैं एंटर मारता हूँ तो ऊपर जाएगा ये। ये क्या लिखा भैया, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है अलग अलग है, सेम है अलग अलग है, अलग तो अलग 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 डिफरेंट। अलग अलग इसलिए है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्कोप इसका क्या होता है, पेज। ठीक है, अब आपने इसका स्कोप क्या कर दिया, यहाँ पे स्कोप इज इक्वल टू पेज को हटा के आपने क्या कर दिया जी, आपने इसकी स्कोप कर दी एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। तो अगर इसको आप स्कोप यहाँ एप्लीकेशन कर दिया ना, तो जहाँ जहाँ आप यूज करोगे, मेरे ख्याल से ये आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, दोनों जगह लगाना पड़ेगा। अब आप बिन का जरा ऑब्जेक्ट देखिएगा, आप चला के दोबारा, अब दोबारा एप्लीकेशन को मैं चलाता हूँ। ठीक है, ये 82 है, 82 करके आया EA। और जरा यहाँ पे देखो यार, इसको बंद ही करके चला लेता हूँ ना, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। वैसे पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, देखिए भैया ये 6A018DB है ना, DB याद रखना। और यहाँ पे भी है, यह 6A DB आ गया, नहीं 118 DB, सेम ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या हो गया सेम। अगर तुम इसको सेशन लेवल पे कर दोगे तो सेशन लेवल पे सेम हो जाएगा, जब जब नया नया सेशन बनेगा। और अभी मैंने इसको ऐसा कर दिया, अब क्या होगा पता है, अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ JSP:USEBean के साथ JSP:GetProperty, तो अब ये काम करेगा। JSP:GetProperty, प्रॉपर्टी का नाम दे दिया REG और यहाँ नेम दे दिया नेम, और इसके आगे यहाँ लिख दिया मैंने जी वेलकम कॉलन, समझ में आई बात। तो अब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ये उसी बीन में डेटा सेट है और उसी बीन से डेटा गेट कर लिया। तो मतलब बीन, इसका मतलब ये जो टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है यहाँ पे। ये नहीं कि हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, नहीं, वो चेक करेगा यार इस स्कोप में, इस एप्लीकेशन में पहले से इस बीन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। बना हुआ तो फिर क्यों बनाएगा, उसी ऑब्जेक्ट को सर्व करा देगा। देखो अभी भी खेल किस चीज़ का हो रहा है, चाहे आप JSP पे भी आ चुके हो, लेकिन खेल किसका है, सारा खेल किसका है, हैं? ऑब्जेक्ट अरे तो छा गए तुम लोग, ऑब्जेक्ट का देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट का ही खेल है सारा। ओहो क्या कर दिया, प्रॉपरली जैसे गेट बीन नेम वाज नॉट, अभी क्या दिक्कत अभी क्या दिक्कत आ गई। सर आपने शायद सर उसमें प्रॉपर्टी में आ हुआ था नेम आधा और नेम में आ गया था। हाँ यार सॉरी 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 सॉरी, अरे तुम भी छा गए आज, तुम भी छा ही गए आज, बिल्कुल। प्रॉपर्टी का नाम ही है प्रॉपर्टी, मतलब देखो जब भी टैग प्रॉपर्टी दिखे तो कंफ्यूज मत हो जाओ, ये एकदम याद रखो। प्रॉपर्टी मतलब एक ऑब्जेक्ट की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक ऑब्जेक्ट की तीन प्रॉपर्टी होती है एक तरह से, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी मतलब डेटा, प्रॉपर्टी मतलब डेटा, प्रॉपर्टी मतलब डेटा मेंबर, डेटा मेंबर ऑफ अ बीन, याद रखो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समझ में आया। इसीलिए इसको प्रॉपर्टी टैग से, और ये आगे चल के भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हमेशा इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। सही है सही है, तो इस तरह से मुझे याद है ये।
आप लोग भी इसी तरह से याद रखो, प्रॉपर्टी मतलब किसी बीन की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बीन के डेटा मेंबर की बात हो रही है, ये लीजिए भैया आ गया ना वेलकम, और ये बीन का तो ऑब्जेक्ट है, प्रिंट करा था इसलिए आ गया। यही चीज़ हमारा नहीं हो रहा था क्योंकि मैं यही काम गड़बड़ वहाँ कर रहा था, समझ रहे हो ना आप। चलो ठीक है, वट एवर, चीज़ें सीखने को मिली ना। पर सर यहाँ पर सर वो लगाना इंस्टा लगाना प्रॉपर्टी नहीं ये उस केस में नहीं काम करता है, ये स्टार लगा दोगे तो कैसे समझ पाएगा कि किसकी डेटा को निकालना है। सेट प्रॉपर्टी में स्टार चल जाता है, यहाँ नहीं चलता है स्टार, यहाँ आपको एक एक प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, सबको अलग अलग गेट करना पड़ेगा। सेट आपने एक साथ कर दिया ना, गेट अलग अलग करना पड़ेगा आपको, नहीं समझ पाएगा उस तरह से। समझ में आई बात, बोलो भाई। यस सर। हाँ बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा, उस केस में दिक्कत आएगी। और बताओ, और कौन सा चीज़ नहीं समझ में आ रहा है इस जेएसपी के बीन में? देखो अगर आपको जेएसपी का बीन अभी समझना और अच्छे समझना है तो आप थोड़ा सा बैक जाते हैं यार। अरे यार जेएसपी का फ्लो समझ लो, प्रोग्राम का और क्या क्या लाइफ साइकिल होती है ये समझ लो, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। ये तो मैंने आपको फाइनल प्रोजेक्ट्स बता दिया जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जिस तरह से बनता है ना, मतलब डायरेक्ट हम फाइनल स्टेज में आ गए। जेएसपी का लास्ट टॉपिक पढ़ लिए, इसके बाद एक और टॉपिक रह जाता है कस्टम टैग वैग बस, है ना, उसके बाद ख़त्म ही हो जाता है जेएसपी, लास्ट ही हो गया ये, तो शुरू वाली चीज़ें और भी समझ लेते हैं। हाँ मैं बता रहा था अमन, ये देखो किसी भी स्क्रिप्टलेट टैग यस में कंट्रोल स्पेस करोगे तो गिनो जरा, देखो एक सर। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ये तो 10 है यार, हैं? नहीं नहीं ये आरईजी, ये आरईजी नहीं है, ये आरईजी नाम का कोई बीन का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये आरईजी भी मैंने जोड़ लिया, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। आप एक सर ब्लैंक ब्लैंक वो लगाओ ना, ये डाओ भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे करने से आपको नहीं मिलेगा। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, आवाज़ बहुत आती है यार। जैसे यहाँ पे ये ब्लैंक है ना, अब यहाँ पे मैं चलाता हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखते हैं, एक नहीं दिखते हैं वो है एक्सेप्शन। तो एप्लीकेशन मतलब कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िग, राइटर मतलब आउट, और पेज मतलब ऑब्जेक्ट। पेज कंटेक्स्ट एक अलग एट्रीब्यूट है ये, रिक्वेस्ट मतलब HTTP रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स मतलब HTTP रिस्पॉन्स, सेशन मतलब HTTP सेशन, है ना। तो एक मिनट,